अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट ऑन है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आलू के समोसों की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। और आपको एग्जैक्टली वही वाले आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप बाहर से खरीद के खाते हैं, लेकिन आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे और एग्जैक्टली वही और उतने ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉटे कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप हुआ हुआ लहसुन 1 टीस्पून और इसके बाद इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट सॉटे करने के बाद मैं 2 बड़े आलू बॉयल हुए हुए और मैश हुए हुए वो ऐड कर देंगे। 1/4 कप चाहिए आपको उबले हुए मटर, 4 हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप्ड हुई हुई, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने आलू के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो आलू है उसमें सारे स्पाइसेस का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप इसको इस तरीके से मिक्स्ड करेंगे कि जो मटर है वो थोड़े थोड़े से मैश भी हो जाए और आलू के साथ कंबाइन भी हो जाए। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और 4 से 5 मिनट तक आप इसको कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप हुआ हुआ हरा धनिया 1/2 कप। 1/2 कप हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी और मेरी ज़बरदस्ती आलू के समोसों की फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। फिलिंग मेरी तैयार हो गई है। अब इसकी एक डो रेडी करेंगे जिससे हम बनाएंगे इसकी मांडा पट्टी। उसके लिए मैंने 2 कप सफ़ेद आटा ले लिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाहिए आपको अजवाइन और 2 टेबलस्पून तेल या फिर घी। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आपने इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसके क्रम्स बन जाए। क्रम्स बनने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती चली जाऊँगी और इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। अच्छी सी डो बनाने के बाद मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख दूंगी ताकि जो डो है वो सेट हो जाए। 30 मिनट्स के बाद आपने डो को जो है वो डिवाइड करना है छोटे छोटे से पोर्शंस के अंदर। पांच से छह पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। अब मैंने इसको ड्राई सफ़ेद आटे में कोट करना है और इसकी एक गोल सी रोटी बनानी है। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल सी रोटी बनाएंगे, मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी पतली सी। अच्छी सी रोटी बनाने के बाद मैं इसको सेंटर से काट दूंगी और इसका जो एक होगा पार्ट उससे हम इसका समोसा बनाना बताते हैं। सबसे पहले आपने इसकी साइड के ऊपर पानी लगाना है और इसको एक कोन की शेप देनी है। कोन की शेप देने के बाद इसका आपने कोन बनाने के बाद आपने जो फिलिंग रेडी करी है वो आपने इसके अंदर पुट करनी है। 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग आप इसमें पुट करेंगे और इसके बाद इसके कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब इसे आपस में कंबाइन कर देंगे और अच्छे तरीके से स्टिक कर लेंगे। अब मैं इसे कर लूँगी सीधा तो मेरा ज़बरदस्त सा समोसा एकदम तैयार हो चुका है। अब आपने इसी तरीके से सारे समोसे प्रिपेयर करने और इसके बाद इसको कर लेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको एक साइड से फ्राई होने पर टर्न कर देंगे और इसके बाद हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छा सा
फ्राई कर लेंगे। बहुत क्विकली ये रेडी हो जाते हैं और इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सफाई से बनते हैं। बाहर के समोसों का हमें नहीं पता होता कि उन्होंने किस गंदगी से बनाए, लेकिन आप होममेड बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफाई से बनेंगे और फ्लेवर भी उसका बेहतरीन होगा। समोसे मेरे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। अब मैं इसे केचप या फिर चटनी के साथ सर्व करूँगी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी।